जय हिंद दोस्तों, यूडीसी आर में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे आपके एमिरेट्स G20 का जो अगला मैच होगा जो कि खेला जाएगा आपके एमिरेट्स ब्लू और शारजाह के बीच में, उस मैच के बारे में। तो कौन से वो 11 प्राइम प्लेयर्स होंगे जिनकी जगह बन पाएगी हमारी टीम में, सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो देखते रहना एंड तक पूरा वीडियो। तो चलिए अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले कुछ अपडेट्स जो आपको जानना ज़रूरी है एक तरफ विन करने के लिए, सब कुछ आपको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन आपके सामने है, देखिए ये वाला सब्सक्राइब का बटन जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इस पर आपको क्लिक करना है और नोटिफिकेशन को ऑल कर देना है। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों, जल्दी से एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों। क्यों तो आप बोलेंगे, सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, है ना? सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा ये कि देखिए हर एक मैच की वीडियो आपको यहीं पर मिलेगी और फाइनल टीम हम यहीं पर शेयर करते हैं दोस्तों। जो लास्ट का मैच था दोस्तों, ये देखिए कल रात का जो ECS का मैच था, उसमें हमारी टीम की परफॉर्मेंस देखिए, हमने कितने कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए, 5 कॉन्टेस्ट, पर कितने विन किए, 5। एक तरफा हमने क्लीन स्वीप किया था दोस्तों, ये हमारी टीम थी। ये देखिए हमारी टीम में कैप्टन, वाइस कैप्टन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे टीम के 11 में से 9 प्लेयर्स ड्रीम टीम में से सिर्फ 2 प्लेयर्स को हम हटा देना, इन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया दोस्तों, 24 और 12 पॉइंट इन्होंने भी दिए, इन दोनों को हम हटा देना, सभी हमारे टॉप स्कोरर्स में से थे दोस्तों। पर ये हमारी सिर्फ ये नहीं दोस्तों, ये हमारी स्मॉल लीग की टीम है, ये सिंगल टीम थी, देखिए आपके सामने दोस्तों। तो आप बोलेंगे ये टीम क्या आपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया था दोस्तों, ये देखिए ये टीम हमने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया था दोस्तों। मैच शुरू होने के 5 मिनट 3 मिनट पहले ये टीम हमने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया था दोस्तों। जो भी हमने तो एक तरफा विन किया, जो भी लोग हमसे जुड़े उन्होंने भी एक तरफा विन किया होगा आराम से, इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत है। ये देखिए इसमें हमारे कैप्टन कौन से दोस्तों, BD Lee दोस्तों। सब लोगों ने बाबर आजम को कैप्टन बनाया हुआ था, हमने इनको टीम में ही नहीं रखा था दोस्तों, इमामुल हक को नहीं रखा था, हमने टॉप के सारे बॉलर्स को और यहाँ से नेदरलैंड के बेस्ट प्लेयर को हमने अपना कैप्टन बनाया था, जिनको किसी ने नहीं बनाया दोस्तों। हमने एक तरफा विन किया दोस्तों, एक भी प्लेयर फ्लॉप नहीं था, डिफरेंस देखिए दोस्तों कितने आसानी से हम जीते थे मैच। ये देखिए हैरिस रूफ हमारे वाइस कैप्टन थे इस मैच में, अगर हमारे वाइस कैप्टन, ये हमारी स्मॉल लीग की टीम थी दोस्तों, ये भी याद रखिए, इनको ना बना के इनको अपना वाइस कैप्टन बनाते ना हैरिस रूफ को, हम ग्रैंड लीग आसानी से जीत जाते दोस्तों। तो आप बोलेंगे इतनी तगड़ी टीम आप टेलीग्राम पर प्रोवाइड करते हैं, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कैसे करना है ना, तो वो भी आपको बता दें। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो के आप जो भी वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और सबसे पहला जो आपको लिंक दिखेगा दोस्तों, ये देखिए ये वाला जो लिंक है, यही हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक है दोस्तों। इस लिंक पर आपको टैप करने से ये लिंक आपको डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम पेज जो कि है इस पे लेके आएगा, और नीचे जहाँ पर आपको ब्रॉडकास्ट का बटन दिख रहा है ठीक इस जगह पर आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा, जल्दी से आपको ज्वाइन कर लेना है हमारे चैनल को दोस्तों, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, है ना? और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, अगर हमारे बाकी यूज़र्स की तरह आपको भी एक तरफा जीतना है, आपको हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों। तो चलिए अभी मैच के बारे में आपको, तो अगर हम अभी इस मैच के बारे में बात करें, सबसे पहले हमें मैच पे चलना है, उसके बाद यहाँ से चलना है क्रिएट टीम पर। सबसे पहले अगर मैं एमिरेट्स ब्लू की बात करूँ दोस्तों, एमिरेट्स ब्लू के टीम से कौन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके विकेट कीपिंग सेक्शन से एफ नवाज खेलते हुए दिख जाएंगे, इंपॉर्टेंट बॉलर है, आपको इनको टीम में पिक कर लेना है डायरेक्ट। बैटिंग सेक्शन से कौन इंपॉर्टेंट, सी रिजवान दोस्तों,
बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है, टू डाउन बैटिंग करने आ जाते हैं दोस्तों, एक बहुत ही रिलायबल प्लेयर है दोस्तों, आपको इनको टीम में रख के चल सकते हैं दोस्तों। बाजवा जो ओपनिंग करेगी ये इंपॉर्टेंट है, आर खान भी ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ से मैं सी रिजवान को टीम में रखने वाला हूँ। बात करें अगर मैं ऑलराउंडर से अगर मैं बात करूँ, यहाँ से ए शेट्टी खेलेंगे, जेड फरीद खेलेंगे, यहाँ से एम जुबैर, ये तीनों आपको खेलते हुए दिखेंगे, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है आपकी टीम की तरफ से, किसी भी दिन एक अच्छा परफॉर्मेंस इनसे आ सकती है दोस्तों। ये देखिए जैसा कि मैंने बताया एम जुबैर लास्ट का मैच में कितने ओवर बॉलिंग के एक बार देख लेते हैं दोस्तों, चार ओवर, इससे पहले वाले मैच में कितने ओवर बॉलिंग, तीन ओवर बॉलिंग, तो बॉलिंग तो कर रहे हैं दोस्तों, ये मेरे टीम में आ जाएंगे दोस्तों। बॉलिंग चार ओवर करने वाले बॉलर्स तो आ ही जाएंगे ना, यहाँ से आर खली की इंपॉर्टेंट बॉलर इनको टीम में रखने, बाकी यहाँ से बिलाल, आयाज, गणेशवन तीनों खेलेंगे, जमशेद्दीन तो खेल नहीं रहे दोस्तों, इंपॉर्टेंट बॉलर है, अच्छा पिक आपके लिए बन सकते हैं, ट्रम्प पिक बन सकते हैं दोस्तों आज जमशुद्दीन। यहाँ से खालिक को अभी के लिए रख रहा हूँ दोस्तों अभी के लिए, यहाँ से मैं आज ट्रम्प कार्ड एम जुबैर को इस टीम से रखने वाला हूँ, अगर एम जुबैर कुछ कर गया अच्छा तो हम इजीली ये मैच जीत जाएंगे। यहाँ से अगर दूसरी टीम की बात करें तो शारजा की टीम है, उसमें विकेट कीपिंग सेक्शन से कौन इंपॉर्ट, ये देखिए एफ खलील दोस्तों ठीक ठाक परफॉर्मेंस हर एक मैच में कर रहा है दोस्तों, 40 प्लस पॉइंट्स रेगुलरली दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए बन सकते हैं। यहाँ से एम सुहेल खान, एफ अहमद, इजा खेल तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों को आपको टीम में ट्राई कर सकते हो। यहाँ से गफ्फर, हिस देसाई और एफ नवाज तीनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ट्रम्प कार्ड इस मैच में है दोस्तों, एम फराज आपके लिए ट्रम्प कार्ड बन सकते हैं। यहाँ से अभी के लिए एस देसाई भी आपके लिए ट्रम्प बन सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन में इस टीम के जरूरत है तीन सबसे बेहतरीन बॉलर्स, एम जुबैर है, मुजीर खान, यहाँ से एचले, रोहेल खान और लखमन, चार इंपॉर्टेंट बॉलर्स हैं, चारों में से किसी को भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ से उजीर खान को टीम में रखने वाला हूँ, एचले जो रेगुलरली आपके विकेट्स निकाल रहे हैं इनको मैं टीम में रखने वाला हूँ, यहाँ से रोहेल खान विकेट कीपिंग सेक्शन की है, यहाँ से मैं बॉलिंग ऑलराउंडर्स में से गफ्फर और बैटिंग में से जुहैब खान, तो ये कुछ मेरे 11 प्लेयर्स आ जाएंगे अपने टीम में। तो इसमें अगर मुझे कुछ चेंज करना है आपको मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। सी और वीसी की बात करें, कैप्टन यहाँ से जेड फरीद होंगे, वाइस कैप्टन दोस्तों एम उजीर खान का मैं बना के टीम में सेव करने वाला हूँ। तो कुछ इस तरह से मेरी टीम बन के रेडी हो चुकी है, आप एक बार इस टीम का प्रीव्यू देख लीजिए, इसमें अगर मुझे कुछ चेंज करना पड़े आपको मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों फिर से मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाकी अभी के लिए इस वीडियो में इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।